चलिए आज का वीडियो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास ट्वेल्थ दोस्तों दो फरवरी एग्जाम 2023 के लिए वो रामबाण प्रश्न करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल हंड्रेड परसेंट पहुंचा जाएगा तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद करना वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं हंड्रेड परसेंट दोस्तों गारंटी लेता हूँ बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्बेक्टिव गलत नहीं होगा क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री है दो में पूछा जाएगा दो फरवरी एग्जाम में अगर आप भी बैठने वाले दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखना लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक नहीं क्योंकि आपके बोर्ड

दोस्तों द यूनिट ऑफ पोल स्टेंड द यूनिट ऑफ पोल यानी कि पोल स्टेंड का आप लोग को यूनिट पूछा जा रहा है तो याद रखना इसका मात्रक ध्र प्रबल का बात करेगा तो एम्पियर मीटर होता है क्या होता है मेरे पहला एम्पियर मीटर

क्योंकि मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ बिहार बोर्ड के सौ परसेंट पूर्णता आधारित हम लोग दोस्तों क्वेश्चन करते हैं यानी कि फोर पाई का जो मान होता है टेन टूटा माइनस सेवन न्यूटन होता है ये आप अगर आप लोग को सबसे पहले बतलाएं याद पर ना टेन ट्रीपोर माइनस सेवन न्यूटन होता है दो सौ वैल्यू ठीक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग याद कर लो क्योंकि इसलिए सौ परसेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से लट जाते हैं क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग दो पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं चलिए तो के के कहा जा रहा है कि का चुंबाकिये महातक क्या है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आप को द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक पूछा जा रहा है तो मैंने बोला है इसका मात्रक टेस्ला होता है और एक टेस्ला आप लोगों को बातला पर मीटर स्क्वायर होता है मेरे पेलाल क्या होता है पर मीटर स्क्वायर होता है तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे मेरे पेलाल बिल्कुल एग्जाम में आप लोगों को धुआं धुआं छुड़ाना है डी एक एक क्वेश्चन को याद करना है क्योंकि मैं आप लोगों को बोल चुका हूं डी के की सौ परसेंट एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन लड़ेगा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा इतना आप लोग दोस्तों एकदम ठान लीजिए मैं जो बोलता हूँ दोस्तों कह के दिखलाता हूँ सेंटर में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता टोटल लड़ गया था चलिए डी थोड़ा सा आप लोग को एक मिनट मुझे टाइम देंगे क्योंकि आप लोग को कुछ बतलाने वाला है चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए ठीक है ना कहा जा रहा है कि में से आ, कौन विद्युत चुंबांगंबा तरंग वाला गुण है देखिए कौन तरंग वाला गुण है स्टूडेंट तो ना गामा किरण गामा किरण जो होता है दोस्तों विद्युत चुंबा तरंग वाला गुण होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे स्टूडेंट देखो सबसे जो दोस्तों विद्युत चुंबा तरंग वाला गुण होता है गामा किरण का होता है याद है ना गामा किरण यानी कि ऑप्शन नंबर सी बेच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब तो याद है ना सीना बढ़ो देंगे चलिए पांच नंबर देखिए कहा जाए किससे महातम भेदन क्षमता होती है डी एस सबसे महत्म भेदन क्षमता किसकी होती है लाली पोप प्रश्न का लालिपोप जवाब याद रखना गामा के ने आप लोग को सबसे महत्म भेदन क्षमता होता है ये आप लोग को सेंटर एग्जाम में पूछा हुआ है एकदम धुआं धुआं छोड़ देना यानी कि गामा किरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे निम्नलिखित में से किसकी महतम महातम भेदन क्षमता होती है याद रखना डी एस्टूडेंट गामा किरण हो जाएंगे यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ठीक है ना चलिए एकदम बहुत अच्छा आंसर को भोकाल मचा करके आना है धुआं धुआं कर देना है देखिए कहा जा रहा है परिक्रमण दोस्तों का अवर्तकाल होता है देखिए परिक्रमण का दोस्तों अवर्तकाल क्या होता है तो याद रखना टू पाई आर टू पाई बटा में दोस्तों भी होता है आराम का परिक्रमण का दोस्तों अवर्तकाल होता है पीरियड ऑफ दोस्तों ठीक है ना तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे चलिए देखो जो जो विद्यार्थियों को अभी आप को आप को को सर्च गूगल पर सर्च करना डायरेक्ट आप लोग देखिए कागज का पैरा तो समर्थ होता है ठीक है कागज का पैरा बैदूत को चाहिए हवा का है कागज का ये वाला है ठीक है ना ये फ्लाउन का है तो देखो सात का करेंगे ऑप्शन नंबर बी क्योंकि कागज का दोस्तों पैरा बैदूत समर्थ चौदह गुना टेन टू पावर दो सौ सिक्स बटा मीटर होता है इसे आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखना बी नंबर जो विद्यार्थी लगाए बिल्कुल धुआं धुआं करती है ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे चलिए से से देखेंगे नंबर क्वेश्चन तो प्रश्न जवाब आप लोगों करेंगे कहा कि एक बार बार क्या होता है माइनस ट्वेल्व दोस्तों फायर होते है दोस्तों क्या तो एक पीको फायराइड बराबर इसका ऑप्शन नंबर सी वाले पे बिल्कुल भौकाल मचा दिए एग्जाम में आप लोगों को इसी प्रकार से भौकाल मचाना एकदम धुआं धुआं करना टेंशन मत मतलब टेंशन जितना पढ़ा उतने में सब लोग को एग्जाम में क्वेश्चन टोटल लड़ेगा देखिए कहा जाए मीटर बराबर क्या होता है एक मीटर जो होता है कितना होता है दोस्तों छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस तो यार यहाँ पर सत्ताईस होता है डी एस टेंट रुपये सिक्स डिवाई होता है तो यहाँ से देखोगे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे क्या स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और आप लोग आंसर भी दे रहे हैं नहीं इसका सी नंबर होना चाहिए क्योंकि टेंट पर उन्तीस होता है सताईस तो नहीं हो सकता है क्योंकि आप लोग याद रखना सत्ताईस नहीं होता है ठीक है ना इसका सी नंबर हो जाएंगे देखिए कहीं मैं बतला चुके हैं अगर गलती होता है तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को जो बात लाते है बिल्कुल सौ परसेंट सही बतलाते हैं देखिए एक बोट यूनिट यानी कि एक किलो वाट घंटा होता है

चलिए जो लोग तो भी देते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी कि ललका का कर, दबा करके मन के हल्का नहीं किया तो कर लीजिए नीले रंग के लिए कानून प्रतिरोध का दोस्तों कलर कोड पूछा जा रहा है देखो नीले कलर रंग के लिए दोस्तों पूछा नीले कलर के लिए जो होता है छ होता है देखिए ट्रिक क्या बीबी जी बीबी रई जी देखिए आप लोग को ट्रिक देते हैं ये हो गया बीस से ब्लैक जीरो हो गया ब्राउन एक रेड हो गया दो ऑरेंज हो गया तीन येलो हो गया चार ये दोस्तों ग्रीन हो गया पांच और नीला भी यानी कि ब्लू के लिए हो गया तो यहाँ से आप को याद रखना सिक्स हो जाएंगे दोस्तों नीला रंग के लिए प्रतिरोध के कलर कोड का मान तो यहाँ से याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सौ परसेंट रियल आंसर है कहा जा रहा है कि व्हाट इज द कोड द एवरेज कलर यानी कि कौन औसत रंग कहलाता है चलिए स्टूडेंट लाजवाब प्रश्न एकदम धुआं धुआं छुड़ा दीजिए बतला करके बिल्कुल पीला जो आप लोग का दिख रहा है औसत रंग का एवरेज जो आप लोगों का कलर होता है मेरे लाल क्या होता है याद रखना पीला रंग होता है मैं दोस्तों सौ परसेंट दावा करता हूँ जितना क्वेश्चन पढ़ा उतना आप लोग अगर क्लियर करोगे एग्जाम में आप लोगों को एक प्रश्न नहीं छूटेगा इतना आप लोग को कन्फर्म रहना है ठीक है मेरे स्टूडेंट बिल्कुल एकदम एकदम निकाल करके रहा है बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन देखिये कहा है कि एक नाभिक के वे से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है मेरे प्यारे लाल यानी कि एक नाभिक को जो होता है इससे नाभिक के उत्सर्जन में दोस्तों लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है याद या दो सौ दोस्तों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है तो यहाँ से मेरे पेलाल अगर आप लोग लगाये हो ये नंबर तो बिल्कुल राइट आंसर लगाए हो ये नंबर तो लो आप लोग का सी हो जाएंगे दो सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे चलिए बहुत अच्छा इससे ही आप लोग आंसर देते जाओ ताकि मुझे भी उम्मीद लगे कि आप लोगों को जितना पढ़ा रहे हैं बिल्कुल क्लियर करते जाते हो देखिए देखिये ड्यूट्रोन की बांधन ऊर्जा होती है तो ड्यूट्रोन के बांधन ऊर्जा टू पॉइंट टू दोस्तों जीरो दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है न्यूट्रॉन और और की जो ऊर्जा है है दोस्तों और के संयोग से बनता है। तो यहाँ से याद रखना इसका टू पॉइंट टू टू हो जाएगा दोस्तों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसका ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए बिल्कुल धुआं धुआं धुआ करे ऐसे आप लोग एग्जाम में एकदम तहलका मचा देना है क्या मचाना है तहल्का देखिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि पारा का कार्य फलन क्या होता है क्या कहा जा रहा है पारा का कार्य फलन क्या होता है मेरे पहला आप लोग बताओ ना कारा पारा का कारा देखिए पारा का दोस्तों चार पॉइंट दोस्तों फोर नाइन होता है ये पारा का होता है ये सीजियम का होता है ये पोटेशियम का होता है ये बेरियम का होता है ये आप लोग का कैल्शियम का होता है मेरे प्यारे लाल आप लोगों से पूछा किया गया है पूछा गया है पारा का तो पारा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अगर चेहरा चार पॉइंट सेवन जो होता है दोस्तों चांदी का होता है और दोस्तों टू पॉइंट सेवन फाइव जो होता है ना ये सोडियम का होता है देखिए टोटल आप लोगों का बात है क्या बताया टोटल आप लाखों को बताए इनके सौ परसेंट बतला दिए बिल्कुल एग्जाम एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऐसा आएगा तो पारा का कार्यफलन कितना होता है चार सौ उनचास आप लोग समझो यार कि आप लोग पी नाम के होंगे तो चार सौ उनचास नंबर एग्जाम में लाएंगे इतना समझ लीजिए ट्रेक हो जाएगा चलिए एक जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है देखिए एक जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है मेरे पहला जीगा की बात क्या क्या बोल गया जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एक जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा याद रखना 10

यानी कि बहुत अच्छा देखिए इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो माइनस का दस प्राप्त हो जाएंगे जो कि जुल्म हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने परिवर्तित कर लिया दोस्तों जूल में ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रख के तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोनों आप लोग का पूछा हुआ प्रश्न है डी एंड याद रखना कोई भी यूट्यूब पर आज तक कर, नहीं करवाया अगर करवाया है तो स्क्रीन भेजना मेरे पास नहीं करवाया है अब मैं करवाया हूँ फाइनल एग्जाम में आएगा इतना आप लोग उम्मीद रख लो चलो एक बर्फ का अपवर्तनांक क्या होता है अपवर्तना एक पॉइंट को पता है तो यहाँ से आप लोग को पता चलेगा कौन सा ऑप्शन तालपीन तेल नहीं चलो यहाँ से बिल्कुल धुआं धुआं छुड़ा देंगे एकदम बहुत अच्छा डी एंटे चलो चलो सत्रह का बिल्कुल राइट आंसर देते जाओ डी एकदम धुआं धुआं एक पॉइंट तीन एक लगाए बिल्कुल सही है क्योंकि एक सौ इकतीस याद रखना एक पॉइंट तीन एक, एक जो होता है बर्ब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है ए नंबर ऑप्शन लगा बिल्कुल धुआं धुआं लगा दिया चलिए देखिये नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन होगा नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण दोस्तों क्या होगा तो यार ना इराज याद टू द एनर्जी चेंज इन द न्यूक्लियस यानी कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि नाभिकों में ऊर्जा के कारण गामा किरणों का दोस्तों जन्म होता है किसका जन्म होता है तो गामा किरण का उत्पत्ति होता है यहां से याद रखना गामा रे कौन रे गामा रे चलिए बहुत ही अच्छा एकदम बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हो इससे ही आप लोग एग्जाम में मार के फाड़ देना सभी क्वेश्चन को देखिए एसी सी पर्वत का शक्ति गुनाक क्या होगा एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोग भोपाल में चलते ना पावर फैक्टर ए सी आर सर्कट यानी कि ए सी आर सर्किट का दोस्तों आप लोग का पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुनाक पूछा जा रहा है मेरे पहला लास्ट प्रश्न यूट्यूब पर आज तक अभी तक नहीं करा है देख लीजिएगा देखिए इसका याद है ना उन्नीस का क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे यानी कि जीरो शक्ति गुना किसका चौक कुंडली का भी जीरो होता है होता है कि नहीं बिल्कुल होता है चलिए बहुत ही अच्छा लिया सुन एकदम टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल यही सब पूछे बतलाएं थे पहले भी देखिए अनुनादी देखिये धारा और शाखी गुणांक का जो मान होता है इसका वैल्यू वन होता है क्या होता है अनुनादी

शुद्ध प्रकत्व का प्रतिरोध पूछा जा रहा है देखिए शुद्ध प्रतिरोध प्रकत्व का प्रतिभा पूछा जा रहा है देखो प्योर क्या बोलते हैं कि कि प्योर यानी प्योर इसको कहेंगे नेट नहीं कहेंगे

ओमेगा एल होता है तो यहां से याद रखना शुद्ध प्रकतो का प्रतिबाधा पूछेगा ओमेगा एल। संतरे का पूछेगा ओमेगा ए एसी ठीक है दोस्तों यहां से याद रखना ए नंबर हो देंगे पास धुआ धुआ कर दीजिए ए नंबर लगा करके देखिए वैद्युत चुंबक के आमंदन का कारण क्या है वैद्युत चुंबक के आमंदन का कारण क्या है बताइए मेरे पहलवान आप लोग धुआ धुआ कीजिए देखिए विद्युत के का दोस्तों जो का, का यानी कि फोको धारा फोको धारा किस धारा को कहा जाता है कमेंट करो मेरे लाल फोको धारा को धारा कहा जाता है ठीक है ना चलिए एग्जाम में आप लोग टेंशन मत लेना क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल जो करा रहे एग्जाम के से काफी इंपोर्टेंट है देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में आवश्यकता होगी ठीक है स्टूडेंट कहा तरह के गैल्वेनोमीटर इज नीडेड टू मेक ए वोल्ट मीटर यानी कि आप लोगों को गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जो आवश्यकता होगी उच्च प्रतिरोध यानी कि हाई रिएक्टेंस की यानी कि यहाँ से जो विद्यार्थी मेरे प्यारे प्यारे हाथों से ए नंबर लगाए हो बिल्कुल सही लगाए हो और प्यारे प्यारे हाथों से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक कर देंगे लगे हाथ

आएगा देखे जो का सिद्धांत तो दोस्तों पर आधारित है यह हो सकता है आप लोगों को फाइनल एग्जाम में आप लोगों को शायद पूछ जाए दिया जाए ठीक है दिश्ट्रेट? याद रखना चौक कुंडली चौक कुंडली का प्रकार तो उच्च होता है अरे चाहे दोस्तों जो होता है जो होता पर होता है है पर आधारित याद रखना मेरे पेड़ लाल एग्जाम में भहुकाल मचाना चाहते हो बिल्कुल क्लियर कर लोगे एग्जाम में धुआं धुआं कर देना है पीडीएफ क्वेश्चन देना चाहते हो इस नंबर पर आप लोग अवश्य से कॉन्टेक्ट करना थोड़ा सा कार्य चलाएगा एग्जाम में आप लोग भहकाल मचा दोगे चलिए याद रखना इसका बी नंबर हो जाएंगे देखिए धारतीय प्रतिघात क्या मेरे पे धारतीय प्रतिघात क्या धारतीय प्रतिघात तो मैंने बेटा ओमेगा सी है क्या है ओमेगा एल लिया ओमेगा सी बता दीजिए चलिए रे बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा एकदम धुआं धुआं आप लोग कर दिए यार ना ओमेगा सी हो जाएंगे देखो एक प्रेमिक प्रतिघात होता है एक धारतीय प्रतिघात होता है

तो आप लोग को के मोटिवेशनल रिएक्शन यार कैसे देता है गूगल ठीक है ना रेस्ट ये सब नहीं देखना है यार कैसे लिखा जाता है प्लेनिक प्रतिघात कुछ अलग होता है डी सेंट चलिए ओमेगा एल याद रखना इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे दाती है यार ये प्लेनिक प्रतिघात होते हैं दोस्तों ओमेगा एल होते हैं ठीक है ना तो ए नंबर लगाए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे देखिए एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है एल आर परिपथ का दोस्तों प्रतिबाधा जो होता है वो क्या होता है देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है धुआं धुआं करना है याद रखना दोस्तों अंडर रूट आर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है ये प्रतिबाधा हुआ अरे यार शक्ति गुना पूछ देता सर तो याद ना आर में लटका दो आर में लटका दो ये आप लोग का शक्ति गुनाक हो गया लेकिन अपन से पूछा गया प्रतिबाधा तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी क्या डी नंबर ऑप्शन चलिए बहुत ही अच्छा चलिए बहुत है देखिए जितना पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट आप लोग बस याद कर लोगे मैं दोस्तों कैसे आप लोग को बताऊं कि पूरा आप लोग का यही में से आएगा ठीक है स्टूडेंट चलिए एल पद का शक्ति गुणांक क्या होता है तो एल पद का शक्ति गुणांक होता क्या है याद रखना अभी आप लोगों को बात लाए दो आर स्क्वायर प्लस, प्लस एल स्क्वायर ये प्रतिबाधा होता है और मैंने बोला कि शक्ति गुणांक बोलेगा तो आर लगा देना लटका देना तो आर लगा के लटका दिया देखोगे ऑप्शन नंबर डी आर दिया गया है यहाँ से आर स्क्वायर दिया ओमेगा स्क्वायर दिया एल स्क्वायर दे दिया अंडर रूट लगा दिया मेरे प्यारे लाल ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या लाजवाब ट्रिक है ट्रिक नहीं है याद कर लीजिए ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल लॉरेंस बल का व्यंजक क्या है हर वर्ष पूछा जाता है मैंने बोला था दोस्तों कि लॉरेंस बैल दो के लिए दो के लिए एग्जाम के लिए दो नंबर में काफी इम्पोर्टेंट है हुआ यार ऐसा कि आप लोग को सेंटर पे पूछ दिया तो क्या फाइनल में नहीं पूछेगा पूछेगा जी याद कर लीजिएगा लॉरेंस बैल क्या है ये सब करवा चुके हैं और लॉरेंस बैल के लिए के से व्यंजक सही है मेरे पहला याद रखना ये कुछ नहीं याद करो यार बिग क्रॉस भी याद रखो बस यही काफी है अब दोस्तों कोई ऑप्शन ही नहीं देगा बी क्रॉस बी वाला क्योंकि पता है कि बेग जो होता है तो चलिए बहुत ही अच्छा पहले से आंसर आ रहा है डी बहुत लाजवाब तरीके से याद यादना एफ बराबर जो होगा दोस्तों क्यू इन हो जाएगा ए दोस्तों ई प्लस का हो जाएगा यहाँ से वी क्रॉस वी हो जाएंगे देखना एग्जाम में आप लोग का ये सब प्रश्न बार बार छपता है तो आप लोग ये छाप दीजिएगा यादना ए नंबर हो जाएंगे देखिए ये तो संस्कृत कहते हैं क्या बोलते हैं केमिस्ट्री का डियर स्टूडेंट क्या केमिस्ट्री का कोचन है देखिए नाभिक से ए, क्या बोला जा रहा है कि एक परमाणु की संख्या में दो की कमी होगी ये आप लोग का क्या बोलते हैं रेडियो सक्रियता क्या बोला रेडियो सक्रियता का लगता है कि सिद्धांत ऐसा है दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ये सब करवा चुके हैं दो नंबर में भी तो यहाँ से याद रखना दो नंबर की संख्या से कहता है परमाणु संख्या नाभिकों से किरण जो उत्सर्जित होता दोस्तों एक 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 पार्टिकल तो यहाँ पर आप लोगों को परमाणु की संख्या में जो कमी आएगी वो आप लोगों का दोस्तों किससे आएगी तो याद रखना जी दोस्तों दो से आएगी चलो एकदम धुआं धुआं लगा देना बी नंबर लगा बिल्कुल बहुकाल मचा दिए कैथोड किरण क्या होती है क्या कैथोड किरण नेगेटिव होती है देखिए पहले तो पूछा था कैथोड किन्ने समूह नहीं पूछा जा रहा है मेरे प्यारे के कैथोड किन्नी होती हैं क्या होती हैं करा चुके हैं इलेक्ट्रॉन होती हैं समूह पूछेगा तब ना पर पॉजिटिव सोचना लेकिन पूछा था क्या थोड़ी किन होती है अरे यार इलेक्ट्रॉन होती है ए नंबर लगाइए एग्जाम में धुआं धुआं धुआ कर दीजिए यानी कि क्या करना है रैंक के चलने आना है कि यानी कि पूरे उम्मीद और उत्साह के जाए साथ जाएंगे यानी कि पूरे उम्मीद के साथ जाएंगे उम्मीद के, के साथ आएंगे कि बिल्कुल पंचानवे पार हो गया है देखिए किलो वाट घंटा मातक होता है विद्युत शक्ति का भाट होता है दोस्तों विद्युत बल अगुण नहीं होगा विद्युत धारा का होता है मेरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा ऊर्जा विद्युत का जो होता है किलो वाट घंटा किलो वाट आवर यूनिटी तो याद है ना विद्युत ऊर्जा का होता है ऑप्शन नंबर बी देखिए कहा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति दोस्तों होती है तो याद रखना चुमा के, के प्रकृति होती, 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 के के होती है तो अनुप्राष्ट होती है चलिए देखिए यहाँ पर देखेंगे चौंतीस नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन देखिए थर्टी फोर देखिए कहा और दोस्तों का मान का जो अनुपात होता है

देखिए कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मर पर आप थे थे रहने वाली रहने वाली क्या पूछा जा रहा? रहा है राशि पूछा जा रहा है कहा जा रहा है द दूंट ऑफ एंड चेंज द ट्रांसफॉर्मर इज तो यार, ना यार कि फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नंबर सी चलिए एकदम बिल्कुल आप लोग चार तो डी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन का जवाब दे देंगे आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे फिलहाल सत्तर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कर दिया गया हमेशा के लिए यूट्यूब पर बहुत बड़ा चढ़ाकर करके किया जा रहा है कि बयालीस से पूछेगा अरे यार सेंटर पर एग्जाम लिया किया किस लिए जाता है दिमाग नहीं है कॉमन से आप लोग को आप लोग पूछते हो बहुत ज्यादा कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा सेंटर पर एग्जाम लिया जाता है किस लिए किस लिए लिया जाता है एग्जाम की तैयारी के लिए एग्जाम के पर्पज से तो सत्तर पूछेगा तो बयालीस कहाँ से होगा होगा तो बिहार बोर्ड में हो कि पूरा लड़ाई हो जाएगा दोस्तों बाहर छिट जाएगा ठीक है ना तो ऐसा आप लोग को सोच नहीं बनाना है आप लोग को बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सौ परसेंट कन्फर्म रहे मेरे पेरा लाल कि सौ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बिल्कुल कन्फर्म हो जाइए क्योंकि आप लोग को बिल्कुल सही बतलाएंगे देखिए किसी एशियन पर ऊर्जा का चे प्रतिरोधक के रूप में होता है ये डायरेक्ट दो एग्जाम में देखने को मिल सकता है तो क्या कहेंगे याद कर लो और क्या ऑप्शन नंबर सी हो देंगे बी हो जाएंगे प्रतिरोधक के रूप में होता है देखो का ए से प्रातक जो होता है क्या होता है, ए का ए से है होता मेरे ए हो जाएंगे देखो भी पूछेगा तो भी टेस्ला ठीक है ना धुआं धुआं कर देंगे टेंशन नहीं लेना इंडक्शन का टेस्ला बायो के चुंबा प्रवृत्ति देखिए बायो के चुंबा प्रवृत्ति बायो के चुंबा प्रवृत्ति शून्य होती है क्योंकि वहां पर

चलिए बयालीस क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ फिर हम लोग एक से लेकर के बयालीस चले, चलेंगे फिर आप लोग को दो सौ ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे करते पूरा कर देंगे कहा जा रहा है कि एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है देख एक समान वेग से पूछा जाए पूरा पर था जगह आप लोगों को गलत मिलेगा लेकिन एक समान वेग से चलमान आवेश केवल क्षेत्र को उत्पन्न करेगा दो चुम्बा क्षेत्र नहीं उत्पन्न कर सकता आप को याद ना आप लोग को दोस्तों केवल चुम्बाकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है मैग्नेटिक फील्ड को ये आप लोग बिल्कुल याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हंड्रेड ये प्रश्न पूछा जाएगा कि एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता था केवल चुम्बाकीय क्षेत्र क्षेत्र ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे देखिए कहा जा कि शुद्ध सौंदर्य के प्रतिबाधा बाधा क्या हो जाएंगे सबे के सही विद्यार्थी एकदम सुनारे हाथों से एकदम कमेंट करेंगे कि शुद्ध सौंदर्य का जो प्रतिबाधा जो होता है दोस्तों इंपेडेंस यहाँ पर आप लोगों को क्या हो जाएंगे चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा डी एस वन ओमेगा सी होता है लाजवाब देखिए के बात क्या। दोस्तों जब भी आप लोग को प्योर कैपेसिटर के बात करता है सान्दारित्र के बात करता है तो वन बटा ओमेगा सी होता है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इससे आप लोग धारतीय प्रतिघात भी काते हुँ। काते हुँ कि नहीं जी बिल्कुल यानी कि शुद्ध संधारित्र के दोस्तों जो आप लोग प्रतिबाधा हो जाएगी वन बटा ओमेगा सी चलिए देखो कहा जाए दे कि लेड या शीशा देखो लेड या शीशा दोनों एक ही है इसका आप लोग को बार फंक्शन यानी कि दोस्तों कार्य पूछा जा रहा है देखिए लेड या शीशा का जो कार्य होता है दोस्तों चार यहाँ पर पच्चीस होता है दो सौ इलेक्ट्रॉन बोल्ट यानी कि चार पॉइंट टू फाइव इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता है शीशा का कार्य फलन जिसे इंग्लिश में लेड कहा जाता है क्या डिरेक्शन याद रखना लेड यानी कि शीशा क्या सर जी लेड या शीशा का जो कार्य फलन होता है चार पॉइंट टू फाइव होता है ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम दो हजार तेईस में पक्का आएगा ये प्रश्न आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए चलिए एक फार्मे बराबर क्या होता है देखो ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एक फार्मे जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है तो एक फार्मे जो है, तो पर होता है टेन टूट्रा मीटर होता है टू मीटर ऑप्शन नंबर सी में देख रहा है, एक के बराबर होता है क्या डियर स्टूडेंट एक फार्मे जो होता है टेंट टू माइनस पंद्रह मीटर होता है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए लाजवाब तरीके से साबे सही मेरे प्यारे साथ बहुत अच्छा एकदम भौकाल मचा दी आप लोग देखिए कहा जा रहा है की आर नॉट का मान कितने फार्मी के बराबर होता है देखिए आर नॉट होता है एक म्यू नॉट होता है एक ऑप्शन नॉट होता है आर नॉट का मान पहले बताओ आर नॉट का मान क्या होता है डी एक्ट देर मत कीजिए आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं डी एन सभी विद्यार्थी एकदम गजा भहुकाल सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं एक पॉइंट टू फार्मी मीटर बहुत ही अच्छा एक पॉइंट टू फार्मी मीटर ऑप्शन नंबर ए में है यानी कि आर नॉट का मान आप लोगों को याद रखना ना एक पॉइंट टू फॉल्टोमीटर यानी कि आप लोगों का फार्मी होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो जो मेरे प्यारे साथियों ए नंबर ऑप्शन लगाए बिल्कुल एग्जाम हॉल में आप लोग को एकदम फाड़ देना एकदम क्वेश्चन को चलिए देखिए कहा जा रहा है कि बायो का अपवर्तनांक क्या होता है सब लगाओ देखते हैं कितना कितना सब में कितना दाम है चलिए बायो का अपवर्तनांक यानी कि दोस्तों आप लोग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है देखो बायो का अपवर्तनांक की बात करेंगे मेरे प्यारे बहुत ही अच्छा एक पॉइंट जीरो जीरो ट्रिपल जीरो और यहाँ पर तीन हो जाएंगे ये होता है बायो का ये आप लोग का जल का होता है चलिए बिल्कुल ये सुन एकदम बहुत ही अच्छा देखो आप लोगों को दोस्तों सबसे ज्यादा टू होता है हीरा का लेकिन आप लोगों से पूछा जा रहा है बायो का तो याद रखना एक पॉइंट ट्रिपल जीरो और तीन होता है ये आप लोगों का होता है बायो का पूर्ण पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा याद रखना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिये कहा सारा रहा डी एस ये तो लास्ट जो प्रश्न है हर वर्ष पूछा गया नहीं है तो क्वेश्चन बैंक और बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट के देखो हर वर्ष पूछता है कहा जाए किसी के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः एन वन और एन टू है यानी कि दोस्तों प्राथमिक और द्वितीय दोस्तों जो आप लोग का सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर का क्रमशः एन वन और एन टू है यानी कि कहा जा रहा है कि प्राइमरी ये है और सेकेंडरी है क्रमशः दोस्तों क्या है ट्रांसफॉर्मर

चलिए कहा जा रहा है की लमडा टंग धर्ज वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है देखो यहाँ पर लैमडर टंग दे दिया जब लम्डर टंग दर्द देता है तो ए सी बाटा लैमडा हो जाता है अगर सिर्फ दोस्तों फोटोन की ऊर्जा पूछेगा तब तो एच बी होगा ई इक्वल टू ठीक है ना सुन लेकिन लमडर टंग दर्द वाला पूछता है तो ए सी बाटा लैमडा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना डेन बहुत ही अच्छा एकदम भोकाल मचा देना का फोटोन का गातिक दमान पूछेगा तो लैमडा बट एच सी हो जाएगा गातिक दमान पूछेगा तब अगर फोटोन का विराम दमान पूछेगा तो जीरो अगर फोटोन का पूछेगा ठीक है ना तो एक पॉइंट टेंट पो माने सत्ताईस के जी चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नाभिक के त्रिज्या आर देखिये नाबे के त्रिज्या आर इसके दबान ए में क्या संबंध है ये क्वेश्चन आप लोग को कई बार करवाया हूँ और बिहार बोर्ड में पूछा भी जाता है देखो आप लोग को आर नॉट का मान पता है। चलो यहाँ से आर नॉट ए की घात तो घाटा थ्री होता है ये के त्रिज्या आर और द्रव्यमान ए में सही रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जाम दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि एक बार भी नहीं पूछा लेकिन बिहार बोर्ड संकेत दे रहा है कि दो हजार तेईस में हंड्रेड परसेंट पूछेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे देखिए जाल के लिए क्रिटिकल एंगल पूछा गया जब भी आप लोगों तो के जहन में यही बात आता है की अड़तालीस प्वाइंट सेवन फाइव होगा क्योंकि आप लोग को याद रखना जाल का जो क्रिटिकल एंगल होता है अड़तालीस प्वाइंट सेवन फाइव होता है ये आप लोगों का दोस्तों डायमंड का होता है हीरा का होता है इसीलिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं ये जो होता है सैन्तीस पॉइंट ये आप लोगों के लिए फ्लेंट और जो होता है आप लोग का क्रमण ये सब के लिए होता है तो यहाँ से आप लोग के लिए जाल के लिए पूछा है तो अड़तालीस पॉइंट सेवन फाइव कौन सा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे देखो ऑप्शन नंबर डी देखिए कहा जा रहा है कि भिवा मापे से निम्न लिखित में से कौन सा मापा जाता है भिवा मापे की बात किया जाए कहा जा रहा है क्या कहा जाए भिमा मापे से निम्न लिखित में से क्या मापा जाता है बिल्कुल डी बहुत अच्छा सेल का ई एम एफ यानी से मापा जाता है बहुत ही अच्छा लाजवाब आप लोग का ई एम एफ यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बहुत अच्छा बहुत मजा आता है ये प्रश्न दो हजार तेईस में हंड्रेड परसेंट पूछा जाएगा कहोगे कैसे सर जी देखो मैं आप लोग को बात

आयाम मॉडलन सूचकांक का जो मान होता है मेरे प्यारे साथियों आयाम मॉडलन सूचकांक कमान ये जीरो तथा एक के बीच में होता है क्या बोल रहे हो सर जी जीरो तथा एक के बीच में तब तो इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए बिल्कुल जीरो से एक के बीच में होता है दोस्तों आयाम मॉडलन सूचकांक मान तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बहुत अच्छा बिल्कुल एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करने है क्योंकि ये सब प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि हर बार बिहार बोर्ड ऐसा प्रश्न को सेलेक्ट करता है तबे वो कॉल मचाओगे जब इस वीडियो को पूरा शुरू टू एंड देखोगे देखो, देखो बोस्टर का नियम इसमें अब सोचने वाली बात है अरे मू बराबर बार टेन आई पी लगाओ कौन सा ऑप्शन में है देखते हैं किस किस विद्यार्थी का है आंसर चलिए बहुत ही अच्छा सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं म्यू बन आई पी यानी कि ऑप्शन नंबर सी लास्ट जवाब प्रश्न धुरांधर जो विद्यार्थी धुरांधर होंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी लगा म्यू बर टैन आई पी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर चलिए बिल्कुल एकदम हल्का मचा देना एक एक क्वेश्चन को सामान्य ताप अफवाह भेग लगभग होता है यह लाजवाब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाने के लिए आएगा टू माइनस अरे मीटर प्रति सेकंड होता है डिरेक्शन देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है क्योंकि सामान्य ताप पर वेग यानी कि सम्बाह वेग इसी को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों यानी कि सामान्य ताप यानी कि दोस्तों सामान्य ताप पर जो अफवाह वेग होता है इसी को सम्वाहन वेग भी कहा जाता है तो इसको हम लोग लगभग कितना में दोस्तों सूचित करते हैं यानी कि समान वेग पर टेन टू माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड होता है ये नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 हजार तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए लाजवाब जो प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आएंगे देखो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर एक होता है पदांतर तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है देखो रचनात्मक व्यतिकरण की बात करें कलांतर की बात करें बस एक ही दा बात याद रखना टूवे न पाई क्या हो जाएंगे ट्वें पाई तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है बिल्कुल स्टूडेंट पाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्या हो जाएंगे रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है एन पाई होता है जो मेरे प्यारे साथियों ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हो बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचाओगे हंड्रेड परसेंट ये शोर है चलिए बहुत ही अच्छा देखिए ये आप लोग का क्या कलांतर हो गया ट्वें पाई है ना एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल देर मत कीजिएगा देखिए प्लांक तांक का दोस्तों प्लांक स्थान का मान क्या होता है तो प्लांक इस 6 .6 गुना टू माइनस चौंतीस यहाँ से, से समझो ए नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएंगे क्या हो जाएंगे यानी कि दोस्तों जब बात का सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री गुना टेन टू माइनस चौंतीस से झूल सेकंड होता है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डियर स्टूडेंट बिल्कुल देखो प्लांक नियंत्र का मान होता है दोस्तों इतना है। याद है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसका जूल सेकंड में यहाँ पर आप लोग को देख पा रहेगा बिल्कुल याद कर लीजिए देखो पैरा बैदुता यानी कि दोस्तों डायलैक्ट्रीसिटी जब भी बात करेगा यानी कि दोस्तों पैरा बैदुता यानी कि आप लोग लगा सकते हो स्क्वायर स्क्वायर न्यूटन मीटर कहोगे सर जी इसका है होता, है, मीटर। बिल्कुल होता है दो मातक होता है तो गुलाम न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर यहाँ से देखोगे तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सर जी एकदम भौकाल हम लोग मचा रहे हैं आप लोग भी मचाते जाइए देखिए जब ऐसा बात करेगा तो एग्जाम हॉल में हंड्रेड परसेंट हल्का मचेगा चलिए लाजवाब बिल्कुल बिल्कुल ये नंबर ऑप्शन हो जाएंगे अगर आप लोग को वन बटा फोर पाई ऑप्शन नॉट पूछेगा इसका मात्र पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी क्यों कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी लेकिन ऑप्शन ये हो जाएंगे क्योंकि पाराबादता का पूछा है देखिए एक एमयू ऊर्जा तुरल होती है देखो एक एमयू ऊर्जा जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और साथ में आप लोग का एक और होता है एक पॉइंट सिक्स गुना टेन टू माने सताईस के के रूप में ये भी होता है आप लोग का एक एमयू क्या होता है एक एम ये दोनों होता है ये दोनों को याद रखना नौ ऑप्शन नंबर ए और ये वाला भी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल याद रखना है एक पॉइंट सिक्स गुना टेन टो माने सत्ताईस के और साथ में प्रोटोन का भी दमान यही होता है विराम दमान ठीक है क्या होता है 1.6 10 टू माइनस 27 केजी होता है जो भी मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सॉरी ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डी नंबर ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल बहुत अच्छा लाजवाब आंसर लगाई हूँ देखो फेनाले दूरी Zf का मान क्या होता है देखो फेनाले दूरी की बात क्या है और जब फेनाले दूरी Zf का मान की बात किया जाता है मेरे प्यारे बहुत अच्छा एकदम भौकाल मचा दिए बिल्कुल देखो ए स्क्वा होता है यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे जो, जो मान होता है ए स्क्वाई होता है जो भी मेरे प्यारे बहुत अच्छा बिल्कुल इसी प्रकार से मचाता हल्का क्योंकि एग्जाम का जो ना कुछ इसी प्रकार का रहेगा एग्जाम एकदम कहना एक चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकशीलता का मात्रक क्या है यहाँ से सही विद्यार्थी लगे चुंबकशीलता का मात्रक पूछा जा रहा है कहा जा रहा है इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिज्म में यानी कि मैग्नेटिज्म में कहा ए सा यूनिट होता है हेनरी वाटा मीटर होता है क्या होता है सर जी हेनरी और बाटा में मीटर भैया ठीक है ना बहुत अच्छा देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हेनरी वाटा मीटर यानी कि चुंबकशीलता के बात करें मैग्नेटिज्म में बात करेगा तो हेनरी मीटर ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक एक प्रश्न को बिल्कुल रट जाना है डीरेस्वेंट क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ समय बचे हुए हैं तो इसमें आप लोग को बेहतरीन तैयारी करना है तो सब्सक्राइब लाइक ठोकते जाएंगे देखिए बीटा बिटाकिन विक्षेपित होता है चुम्बाकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे डीएस यानी कि बीटा किरण जो विक्षेपित होता है चुंबाकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीके से सब के सभी यानी कि धुरंधर स्कूल स्टूडेंट लगा रहे हैं डी नंबर ऑप्शन देखिए सब विद्यार्थी टेस्ट भी लगाना गूगल पर सर्च करना देखिए किसी वास्तु का मानव रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है देखो वास्तविक और उल्टा होता है किसी वास्तु का मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब की बात किया जा रहा है तो वास्तविक और उल्टा जो दिख रहा है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ठीक है ना डे सुन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो

बहुत ही अच्छा सब मेरे प्यारे धुरांधर विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगा करके धमाल मचा दिए यानी कि हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बहुत ही अच्छा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल चलिए बी नंबर ऑप्शन देखिए कहा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर चौबीस नंबर में कि उत्तर लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है देखिये उत्तर लेंस की बात है उत्तर लेंस की बात करेगा तो देर किस बात की है लगा दियो बी क्यों सर जी देखो उत्तल पूछेगा तो दूर दृष्टि अगर 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 निकट है, अगर आपतल तो निकट है पूछेगा पूछेगा तो तो दृष्टि दृष्टि जरा चलिए बहुत ही अच्छा बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे कौन कौन वे लगाए बिल्कुल लाइक ठोक जाएंगे जो जो लगाए हैं चलिए बहुत ही अच्छा इसी प्रकार से टोटल ऑब्जेक्टिव को याद करे ना क्योंकि जितना आप लोग को दे रहे हैं इससे बाहर पूछेगा ही नहीं चलिए देखो सोडियम का दहली तिरंग धर्ज यानी कि सोडियम है ट्रांसोल्ड वेवलेंथ इज यानी कि कहा जा रहा है कि जो सोडियम का जो दहली तिरंग धर्ज होता है वो क्या होता है तो देखो सोडियम से अपन बात किया गया तो 540 सौ होता है क्या होता है ये 540 सो चालीस होता है सोडियम का ये आप लोग का दो पोटेशियम का ये नहीं होगा तो याद रखना इन नाइनोमीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए नंबर हो जाएंगे सोडियम का दहली तिरंग धर्ज होता है ये बास के कम्पार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है देखो चांदी का चांदी का जो कार्य फलन होता है दोस्तों वो क्या होता है बाईस के कपार्टमेंटल में, में पूछा तो चांदी की बात किया चांदी की बात किया तो सब कैसे तो मेरे प्यारे याद रखना चार पॉइंट सेवन होता है ठीक है चार पॉइंट सेवन देखो कौन सा ऑप्शन ए खत्म बी खत्म सी नंबर हो जाएंगे फोर पॉइंट सेवन हो जाएंगे मेरे प्यारे क्या हो जाएंगे ये चांदी का कार्य फलन होता है वैरक फैक्शन ऑप्शन नंबर सी देखो एक जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात किया है तो एक जीगा जो होता है टेन टू पावर नाइन होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक पॉइंट माइनस नाइनटीन गुलाम होता है इसको इसको ऐड करोगे मेरे प्यारे तो आएंगे टेन टू पावर माइनस दस अब कहोगे इसमें अब कौन से सोचने वाली बात है सर जी आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया तो ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे बिल्कुल बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे चलिए ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम से पहले करवाएं करवाए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम मैंने बोला था 2022 में पूछा तो नहीं पूछा तो 2023 में 100 परसेंट पूछेगा यार क्या करें सेंटर में पूछ जाए समझो फाइनल में पूछेगा अनंत लंबाई के लिए आवेषित बिनाकार के आठ से आठ रूपए विद्युत तो जो क्षेत्र होगा लेमडाटर टू पाई ऑप्शन नॉट आर होगा ये प्रश्न आप लोग को पांच नंबर में करवाएं तो देखोगे यहाँ से तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसमें देर करने की क्या बात है ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हंड्रेड परसेंट छपेगा टेंशन मत लीजिए एक प्रकाश वर्ष क्या होता है सही विद्यार्थी एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है बिल्कुल बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर नाइन पॉइंट फोर सिक्स गुना टेन पंद्रह मीटर होता है ए नंबर देखिए किस राशि का समीकरण है दोस्तों कोसे का समीकरण ए प्लस देखो a B a square, but, देखो ए प्लस बी स्क्वायर बट देखो ए प्लस बी बटा लैंडा स्क्वायर प्लस सी बटा लिमडा के घात फोर यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ए प्लस बी बटा लैमडा स्क्वायर ये वाला ऑप्शन आप लोग का हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रकाश के रंग का कारण क्या द रीजन ऑफ द दोस्तों कलर ऑफ लाइट तो याद रखना प्रकाश के रंग का जो कारण होता है दोस्तों उसका तिरंग धैर्य होता है यानी कि दोस्तों फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी भी होता है और वेवलेंथ भी होता है दोनों ये आप लोग याद रखना माथों में दम बिल्कुल क्या कहते हैं दोस्तों सेव कर लीजिए कि आप लोग का जी होगा प्रकाश के रंग का कान ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रथम नियम की बात करेगा तो आवेश संरक्षण सिद्धांत अगर द्वितीय नियम की बात करेगा तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत मेरे प्यारे प्रथम नियम की बात किया तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है यानी कि संरक्षित है अगर दोस्तों द्वितीय नियम की बात करेगा तो ऊर्जा संरक्षित सिद्धांत हो जाएंगे अगर बिंदु नियम पूछेगा तो आप लोग का आवेश हो जाएंगे तो टोटल आप लोग के नियम की बात करें तो संरक्षण सिद्धांत से ऑप्शन नंबर बी बीक का बिंदु नियम ऊर्जा संरक्षण से होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सॉरी बिंदु नियम पूछा जा रहा है तो ये आवेश संरक्षण सिद्धांत से होगा आवेश कहाँ पर दिख रहा है आवेश बी नंबर में दिख रहा है इसीलिए बी नंबर हो जाएंगे एक टेस्ला क्या होता है तो देखो एक टेस्ला जो होते हैं बिल्कुल देखिए एक टेस्ला न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आप लोग का बिल्कुल सी नंबर हो जाएंगे चलो बोल्ट बिल्कुल सही डी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे सेम्बर तो काफी इजी क्वेश्चन आया है कहा जा रहा है विद्युत के किसी बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का

से ए नंबर ऑप्शन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए में से कौन आवेश रहित है देखे, देखे आवेश रहित की बात किया है यानी कि आवेश उस पर नहीं है, इस आवेश है। देखो आवेश जो चार्ज होता, दोस्तों, फोटोन होता? होता? पार्टिकल होता है मेरे दे दे, को आप लोग को निम्न लिखित में से कौन आवेश रहित है तो याद रखना ये फोटोन कण होता है क्या होता है फोटोन पार्टिकल होता है और फोटोन पर विराम होता है दोस्तों सुन होता है ये सब आप लोग को करवा चुके हैं रेगुलर क्लास करो एग्जाम हाँ मैं बिल्कुल कन्फर्म का तो एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा डी क्योंकि सेंटर पर एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव में पचास ऑब्जेक्टिव टकराए थे ठीक है ना फाइनल में भी ऐसा ही होने वाला है चलिए कहा जा रहा है कि निम्न लेखित में से कौन मूल कन नहीं है देखो मूल कन की बात करें तो आप लोग को पता है न्यूट्रॉन प्रोट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं मूल कन जो होते हैं डियर स्टूडेंट मूल कन वो न्यूट्रॉन प्रोट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रॉन प्रोट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेकिन अल्फा जो पार्टिकल आप लोगों का दिया गया मेरे पेलाल ये आप लोगों का मूल कन नहीं है क्या नहीं है तो मूल कन नहीं है यानी कि लगाओगे ऑप्शन नंबर सी तो एग्जाम में बिल्कुल भहुकाल मचा देगी क्योंकि अल्फा कण जो होता है दोस्तों सो मूल कन नहीं होता है अगर आप लोगों से पूछेगा न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था

अर्थात की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है क्या स्थिर होते मेरे प्यालाल स्थिर होते बहुत ही अच्छा गजब सबे के सही पे का राइट आंसर ये नंबर आया है बहुत खुश हो। हो हो। तो होती है देख करके लगता है बहुत मेहनत की हो बिल्कुल ये टॉपर लाइक क्वेश्चन है यानी कि आप लोग टॉपर लेवल की तैयारी कर रहे हो जो की पता चल रहा है आप लोग बेहतर हो ठीक है ना तो यार चुंबा के प्रवृत्ति यहाँ से ये नंबर हो जाएंगे चलिए कहा कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार हम लोग करते उपयोग जो करते यूज जो करते है किसका करते हैं मेरे प्यालाल आप लोगों के पास चार ऑप्शन दिए गए सिर्फ आप लोगों को दिया गया है विद्युत में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसमें हम लोग जो उपयोग करते हैं नाइक्रोम का यू, यू, यू 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 यूज करते हैं कुछ लोग कहेंगे नहीं जी देखो यहां पर है बिल्कुल एग्जाम में भोकाल मचेगा जब आप लोग दोस्तों एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है आदर्श का प्रतिरोध क्या होता है

देखो क्यों नहीं हुआ ए नंबर क्यों नहीं हुआ बी नंबर क्यों हुआ सी नंबर समझो देखो विद्युत फ्लक्स का माता दोस्तों वोल्ट मीटर होता है ओम मीटर दोस्तों प्रतिरोधकता का होता है और दोस्तों एम्पियर मीटर जो होता है ये आप लोग को बतला चुके हैं दोस्तों किसका होता है चलिए बहुत अच्छा याद विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछेगा हो जाएंगी। अगर आप लोगों तो 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 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करवा देंगे लास्ट तक आप लोग बने रहोगे एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा दोगे देखिए कहा जा रहा है आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत रोध होता है पचास हजार होम होता है कितना हजार पचास हजार होम होता है अब सोचोगे कौन सा ऑप्शन में दिखेगा तो एक ऑप्शन सिवा कोई में नहीं दिखेगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है पचास हजार होम होता है तो यहां से ए नंबर वाले विद्यार्थी बहुत अच्छा मेरे प्यारे प्यारे नन्हे हाथों से आप लोग घंटी को एक बार जरूर क्लिक कीजिएगा यानी कि घंटी को ऑन नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर लेना जो जो नहीं कह कर लीजिए क्या जाता है आप लोग को तैयार

देखिए समतल दर्पण की बागतल त्रिज्या क्या होती है मेरे प्यालाल समतल दर्पण की बागतल त्रिज्या के बात आया है बहुत अच्छा बहुत अच्छा जो जो विद्यार्थी अगर ए नंबर ऑप्शन लगाए अनंत उनका बिल्कुल करेक्ट है क्या होता है समतल दर्पण जो होता है डीएस इसकी बाकता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे आप लोग याद रखना समतल दर्पण की बाकता त्रिज्या अनंत होती है ए नंबर वाले ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऐसे ही आप लोग एकदम आंसर देते जा रहे हैं बहुत मजा आता है डी एस जब आप लोगों का राइट आंसर आता है कहा जा इलेक्ट्रॉन बोल्ट मापा जाता है देखिए इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा दोस्तों जो मापा जाता है किसको मापा जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों हम लोग आवे सॉरी एनर्जी यानी कि ऊर्जा को मापते मा, हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो मापा जाएगा ऊर्जा के द्वारा मापा जाएगा अगर आप लोग भी बिल्कुल करेक्ट है चलिए बहुत ही अच्छा ऐसे ही आप लोग लास्ट तक बने रहो और टोटल ऑब्जेक्टिव याद कर लो देखो अब अपन से जो, जो क्वेश्चन आया है काफी टॉपर लेवल का क्वेश्चन आया है इस क्वेश्चन को जवाब देने वाले विद्यार्थी को मैं मानूंगा दोस्तों टॉप पर ठीक है 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 क्योंकि ये क्वेश्चन दो बार पूछा 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 गया कप, कप गया तो अपन आप लोग को बतला देते हैं देखो पिछले बार दोस्तों और बार दोनों हुआ है। देश में जाएगा। और दोनों हुआ में जाएगा इसके पहले पहले के कई बार पूछा गया है तो आप लोग बतला दीजिए या प्रबलता का आप लोग सोचोगे धारा धाराग्रत तो का क्या होता है सर तो एमपिया मीटर स्क्वायर होता है आप लोग सोचोगे सर चुंबकन का ये ला तो है। आप लोग चुंबाता मीटर होता है ना ये दोनों एक ही होता चुमकरन चुमकरन है चुंबकन और तीव्रता आप सोचेंगे चुंबकीय तीव्रता का सर हमने पढ़ा है टेस्ला नहीं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है चुंबा प्रेरण का मात्रक होता है तीव्रता का एम्पियर मीटर होता है यहां से पूछा ध्रुव प्रबल तो याद एम्पी मीटर ए नंबर ऑप्शन जाएंगे बस याद रखो अब देखो निकल आया निकल की बात आया समझो पूरा याद दोस्तों आ... ताजा हो गया क्योंकि निकेल कोबाल्ट और क्या बोले निकेल कोबाल्ट लोहा और आप लोग का दोस्तों क्या सीआर ये सब क्या है तो आप लोग को बता चुके हैं लोहा यानी कि है क्या है और निकेल दोस्तों है भी लाहौल ला है यहां से देखोगे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं जो जो विद्यार्थी वीडियो को छोड़कर जाएंगे मैं उनका दुर्भाग्य मानूंगा क्योंकि आज

निर्बाध के चुबा की प्रवृत्ति क्या होती है तो याद रखना निर्बाध की प्रवृत्ति चुबा की प्रवृत्ति शून्य होती है यहां से अगर आप लोग भी बी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करे हो तो बिल्कुल राइट आंसर दी हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से दोस्तों नंबर जो विद्यार्थी चाहते हैं एग्जाम में है, उनका नाइन्टी परसेंट का स्कोर आए है। चाहते हैं कि बिल्कुल नाइन्टी परसेंट लाए तो बोल दोस्तों चाह करके वे नहीं कर पाने तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा स्टूडेंट ठीक है ना बिल्कुल आप लोग को आएंगे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है चलिए कहा जाए

करेंगे। चलिए यहां से दे परपत की शक्ति क्या हो जाएगी चलो सवे विद्यार्थी क्लास का क्वेश्चन है मैं आशा करूंगा एक एक विद्यार्थी का उस प्रकार का आंसर आना चाहिए जिस प्रकार से मैं आप लोगों को आशा कर रहा हूँ चलिए बहुत अच्छा

होता है मेरे प्यार लाल ट्रिक दिया जाए बीबी जी वाला ठीक है ना देखिए समझो यहां से जो जो बोरिंग समझेंगे यार क्या बताऊँ देखो यहाँ से ट्रिक कुछ इस प्रकार से बीस से दोस्तों ब्लैक हो गया जीरो हो गया दोस्तों एक, हो गया दो ऑरेंज हो गया तीन येलो हो गया चार नीला हो गया सिक्स तो लाल रंग तो के लिए दोस्तों दो हो जाएगी तो यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न एग्जाम में द्वारा पूछा जाएंगे यानी कि कारण पर में लाल रंग का जो मान होता है दोस्तों क्या होते हैं दो होते हैं पक्का याद कर लो एग्जाम है ये सब प्रश्न पक्का आएंगे ही ठीक है ना और इतना कंफर्म रहिए एग्जाम 2023 के लिए सभी विद्यार्थियों का कमेंट पर कमेंट आता है कि कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 परसेंट कन्फर्म रहिए ऐसे आप लोग दोस्तों फालतू का कमेंट अब नहीं कीजिएगा मैं आशा करूंगा 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 2023 में ठीक है ना स्टूडेंट आप लोग इंटरनेट मॉडल में सौ रहेगा तो कन्फर्म हो जाइए कि दो में सौ ऑब्जेक्टिव रहेगा लेकिन जो है पटना डी स्टूडेंट सौ ऑब्जेक्टिव का ही है ठीक है ना चलिए चलो कहा जाए विद्युत विवाह बराबर क्या होता है मेरे फिलहाल विद्युत विवाह कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे तो विद्युत दोस्तों विभव जो होता है वो क्या होता है चलिए बहुत अच्छा टी स्वीन क्या लेंगे डब्ल्यू आई क्यू या क्यू बाई डब्ल्यू बताओ के सही लगाएंगे कुछ इस प्रकार से लगाएंगे बिल्कुल एग्जाम हॉल में भी तहलका मचाएंगे देखिए डब्ल्यू बात कहोगे का? कैसे सर जी देखो एक बोल्ट आप लोगों को पता है दोस्तों के जूल कुलाम होता है कैसे अब देखो बर्क का ऐसा माता जूल और अवेश तो जुल प्रतिकुलाम यानी कि दोस्तों डब्ल्यू बाई क्यू दिया गया नंबर ऑप्शन में अब सोचोगे ये ऐसी देंगे सर देखो आप लोग को परिभाषा बतला देते हैं देखिए

ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी देखिए कहा जाए बोल्ट बटा मीटर

देखो कहा जा रहा है कि आवेशित चालक स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज तो आवेशित चालक स्थिति ऊर्जा हाफ सी बी स्क्वायर होते है मेरे पे लाल तो हाफ सी बी स्क्वायर देखो और ढूंढो और लगा दो राइट आंसर चलिए बहुत अच्छा सभी का सही विद्यार्थी लगभग सौ विद्यार्थी का जो आंसर आया है बिल्कुल दोस्तों दिल को खुश कर देने वाला है हाफ सी बी एस होता है काफी पॉपुलर प्रश्न एग्जाम हॉल में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जब आप लोग दोस्तों क्या करेंगे एग्जाम हॉल में दोस्तों तहलका मचा देंगे चलिए विद्युत फ्लक्स यानी कि फ्लक्सुम्बाकिय फ्लक्स पूछा जाए सॉरी फ्लक्स का जो होता है वोल्ट मीटर होता है या ऐसा आप लोग सोचते कुछ विद्यार्थियों के सोचते नहीं देखो चुंबाकय फ्लक्स का बात करेगा बेबर याद रखो कन्फर्म हो जाओ यहाँ पर आप लोग को एग्जाम विद्युत फ्लक्स पूछा जाता है तो क्या विद्युत फ्लक्स का विवरण मार दोगे नहीं

इस स्ट्राक या प्लांक नियतांक दोनों कॉन्स्टेंट होता है दोनों को हम लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं तो मेरे फिलहाल प्लांक इस या प्लांक का जो मात्रक होता है जूल सेकंड होता है आप कहोगे जूल प्रति सेकंड सर की जूल सेकंड तो नहीं जी प्लांक इसरा के बात किया तो जूल सेकंड होगा इतना आप लोग याद रखोगे एग्जाम हॉल में तो हल्का मचा दोगे तो जूल प्रति सेकंड जूल सेकंड याद रखना है आप लोग को ठीक है यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे चलिए एग्जाम हॉल में बिल्कुल हल्का मचा बीमा पूछेगा तो एम एल स्क्वायर टीन वर्ष चलिए सब आएगा चलिए कहेगा कि पृथ्वी के चुम्बा के ध्रुव पर नमन कोण यानी कि नती कोण का जो वैल्यू होता है

रेखा पर जीरो डिग्री होता है कंफर्म आंसर की बात करेंगे मेरे लाल आप लोग कंफ्यूज हो याद रखना नाइनटी डिग्री होता है दोस्तों पृथ्वी के चुंबा के धुल यानी कि नौन का मान चलिए अब तो सोचो की सर ये सब प्रश्न नहीं आता हमको कैसे याद रखें देख ट्रिक देखो ना यार बहुत इजी है आवेश का रैखिक घनत रैखिक रैखिक पूछ दिया गुलाम बट मीटर याद रखो का आयतन घनत पूछेगा गुलाम मीटर क्यों बस बस यही सर यही आप लोग को याद रखना है बस आवेश का रैखिक घनत पूछेगा तो गुलाम बट मीटर एग्जाम में पक्का आएंगे याद कर लो एक पक्का रहेंगे देखो अवेश अवेश का राखी घना तो दोस्तों देखोगे ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे अगर अवेश का पिछले घना तो पूछता तो बी नंबर अगर दोस्तों आयतन घना तो पूछता सी नंबर ये सब आप लोग को करवा चुके हैं रेगुलर क्लास करोगे तो एग्जाम हॉल में क्या बचाओगे दोस्तों तहलका मचा दोगे ठीक है ना तो यहाँ से या याद रखना गुलाम बटा मीटर होता है आप कहोगे सर हमने पढ़ा क्या बोलते हैं ध्रुव गुन का मैंने पढ़ा पड़ा कुलाम मीटर तो गुलाम मीटर तो यहाँ गुलाम बटम मीटर है, ये भी याद रखना चलो कोई दिक्कत नहीं रेगुलर क्लास करो सारा का सारा दोस्तों जो होता है ना कन्फ्यूजन वो बिल्कुल दूर भागेगा ठीक है ना डर के भागेगा चलिए कहा जा रहा है कि अल्फा का क्या होता है अल्फा पार्टिकल इज क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी अल्फा पार्टिकल तो याद रखना हीलियम का नाबिक होता है ना के दोस्तों हाइड्रोजन का याद रखना हीलियम का नाविक होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम यानी के दोस्तों ने हीलियम का के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले प्रश्न तो यार ना अल्फा कण जो होता है अल्फा पार्टिकल जो होता, का है? का का हो होता? होता है क्या होते हैं नाभिक होते हैं ऑप्शन नंबर बी लगा दो एग्जाम हॉल में तहलका मचा दो चलिए कैथोड कैथोड क्या क्या होते हैं रे इस हो मेरे प्यारे के लाल आप लोग लगा दीजिए कैथोड किरण क्या होता है देखिए कैथोड किरण हमारा इलेक्ट्रॉन होता है क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड किरण जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन हो जाएगी यहाँ से याद रखना इलेक्ट्रॉन

रचनात्मक व्यक्तिकरण का पूछेगा तो ए नंबर लगा लेना एन लेकिन आप लोगों से दोस्तों पदांतर पूछा गया विनाशी व्यण का तो याद रखना यहाँ से नंबर में दिख रहा है चलिए यही हो जाएगा देखिए लेंस की क्षमता देखिए लेंस की क्षमता का एस आई यूनिट पूछा जा रहा है का सबक विद्यार्थी जो जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ठीक है ना लेंस की क्षमता का एस आई मात्रा को दोस्तों डायोप्टर होता है मेरे क्या होता है डायोप्टर होता है काफी इजी आंसर आप लोग देते हो एकदम गजब तरीके से लग रहा है आप लोग को कितनी दोस्तों एग्जाम के लिए बिया बनी हुई है कि आप लोग लास्ट तक बनाए इससे आप लोगों को बिल्कुल धुआं धुआं छोड़ा देना एग्जाम में लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है मेरे फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के जो दोस्तों क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाले दोस्तों जो अध्यापक होते तो ये प्रश्न पक्का सेलेक्ट करने वाला है

ट्वेंटी नाइन में पूछा गया यानी दोस्तों 2019 हजार उन्नीस में कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और साथ में आप लोगों का दोस्तों दो हजार बाईस का सेंट अप एग्जाम हुआ कि नहीं बिल्कुल हुआ उसमें पूछा गया धातु का पैरा वैदुतांक अनंत होता है मेरे क्या होता है धातु का पैरा अनंत होता है आप लोगों को एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न देगा अनंत की जगह ये दे देगा ये अनंत का संबोल होता है इसे आप लोग याद रखना क्या पढ़ी हुई आठ क्या आठ जो होता है दोस्तों पढ़ी हुई है इसको हम लोग दोस्तों अनंत का

कई बार पूछा गया कई बार करवाए हैं आप लोगों का तो जो जो विद्यार्थी पीडीएफ हैं, ये नंबर आप लोगों को दिख रहा है कॉन्टेक्ट अवश्य कोई दिक्कत नहीं आप लोग बिल्कुल एग्जाम में धुआं मचा दो चलिए प्रतिघात क्या होता है? मेरे प्यारे लाल, के की बात किया है ना तो बिल्कुल आप लोग प्रतिघात जो होगा वो आप लोग का दोस्तों ओमेगा एल हो क्या होगा ओमेगा एल होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे चलिए इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को कई बार करवा चुके हैं टेंशन लेने का नहीं टेस्ट

प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है तो आप लोगों को पता है व्यतिकरण होता है लेकिन व्यतिकरण का एक और रूप होता है आवृत्ति फ्रिक्वेंसी देखिए प्रकाश का जो रंग का कान होता है मेरे फिलहाल वो आप लोगों को कमेंट करने हैं प्रकाश का जो रंग का कान होता है वो व्यतिकरण होता है यहाँ से देखोगे तो व्यतिकरण यानी कि आवृत्ति भी लगा सकते हो चलिए इंसी भी हो जाएंगे चलिए डायनेमो का दोस्तों कार्य सिद्धांत आधारित है डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है का जो तुकर जो तुकर 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 तुक किस पर आधारित है तो याद रखना डायनेमो का दोस्तों जो कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबा के पेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तुक इंडक्शन पर आधारित है यहां से बिल्कुल बे नंबर ऑप्शन हो जाएंगे जाएंगे डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबा के प्रेरण पर है देखिए अब गामा किरणों के तरह होते हैं देखिए गामा जो किरण होता है मेरे लाल गामा किरण उसके तरह कौन होता है बतलाइए गामा किरण की जो तरह होता है मेरे लाल गामा किरण की तरह वो कौन होता है तो गामा इस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार का एक रूप आता है एक्स किरन। एक्स एक्स किरण 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 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया गामा किरणों की तरह एक्स होता है यहाँ से डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे चलो आप लोग को बिल्कुल पता हो तो आंसर लगाते जाना एग्जाम हॉल में तहलका मचाते जाना कहा जा रहा है कितना कौन का मान उतरे दूर से विश्व रेखा की ओर जाने पर दोस्तों डीन क्रेज करेगा या

तेजी से चलने वाला जो बिटा किरण होता है बिट्टा क्या दोस्तों बिट्टा बेटा नहीं बिट्टा चले तेजी से चलने वाला जो बिट्टा किरण होता है बिट्टा रेज होता है इलेक्ट्रॉन होता है देखो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे तेज चलता है फास्टेस्ट मूविंग करता है अब देखो अब देखो क्या देखो क्या देखो देखिए शक्ति का मात्रक बाट होता है शक्ति पावर का जो मातक होता है दो सौ बाट होता है और एक वाट जो होता है जुल प्रति क्या होता है तो सेकंड होता है जुल प्रतिकुलाम तो एक बोल्ट होता है एक बोल्ट जुल प्रति गुलाम होता है मेरे प्याराल जुल प्रति दो सौ सेकेंड हो जाएगी ए नंबर ऑप्शन एक बाट एग्जाम में पूछा हुआ है ठीक है ना याद रखना एक बोल्ट क्या होता है मेरे प्यारालाल एक बोल्ट पूछा गया एक बोल्ट जुल प्रतिकुलाम अगर एक ओम पूछेंगे तो क्या लगाओगे आप लोग बताओ ना बोल्ट एमपीयर लगा देना अगर एक पूछेगा तो, तो एक पूछा बोर्ड क्या हो जाएंगे गुलाम हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे एग्जाम हॉल में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल एकदम धुआं छुड़ाना है तो याद कर लीजिए चलिए देखिए कहा जाए दे तैतालीस नंबर क्वेश्चन की आवेशित संग्राहक पट्टिका और देखिए कहा किया जा अपन से क्वेश्चन है कि आवेशित संधरित और संग्राहक पटिका के पटिका के आवेशों का योग जो होता है बिल्कुल सुन होता है कई बार एग्जाम में पूछो प्रश्न तो यहां से देखना ए नंबर हो जाएंगे देखिए कहा जा रहा है स्टूडेंट की निम्न लेखित में से कौन बेदो चुंबा के नहीं है देखिए कौन बेदो चुंबा के नहीं है स्टूडेंट देखिए ध्वनि तिरंगे जो होती है दोस्तों विद्युत तिरंगे नहीं होती है यह प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा हुआ 2020 में पूछा हुआ 2013-14 में पूछा हुआ है तो देखिये बेदुत चुंबाक तरंगे नहीं तो ध्वनि तिरागे जो होती है साउंड वेव्स यह नहीं होती है तरंगे ठीक है स्टूडेंट याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चलिए बेद्युत चुंबाक तरंगों की प्रकृति जो होती है दोस्तों ट्रांसफर देखिए यानी कि देखिये चुनाक रंग की जो प्रकृति होती है हो अनुप्रास होती है यह प्रश्न आप लोग को दो में पूछा वो प्रश्न कैसा होता है अनुप्रास्त होता है एकदम एकदम एग्जाम में धुआं छुड़ाना है क्या हो जाएंगे अनुप्रास्त यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे वेदोत चुमाक तंगों की प्रकृति अनुप्रास होती है ए नंबर सही हो जाएंगे देखिए हवा का दोस्तों जो वेग होता है कहाँ महत्तम होता है तो हवा का दोस्तों जो मैक्सिमम होता है दोस्तों, तो दोस्तों है, है, क्लास एट में याद किया था में मुझे उम्मीद है ये सब आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने ये क्लास सातवी पढ़े होंगे क्योंकि आठवीं क्लास में वास्तव में पढ़ना है प्रकाश का बेग महत्म थ्रेगुना टेंटर आठ मीटर प्रति सेकंड यहाँ से देखोगे

क्या होता है छिद्र होता है या तो आप लोग कह सकते हो तो इसको कहीं नाम हिंदी में जानते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम जानते हैं वो दोस्तों होल होता है और इन प्रकार के अर्ध चालक में मुख्य धारा के, के बाद की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लेकिन पी प्रकार में याद रखना दोस्तों क्या हो जाएंगे छिद्र हो जाएंगे हो जाएंगे यानी कि होल ठीक है ना रेश चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से कहा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदारशी के नले की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्जन क्षमता बढ़ती है ऐसा सेंस निकालता है बोलने में लेकिन वास्तव आंसर की बात करेंगे तो घटेगा लेकिन कुछ विद्यार्थियों को कहते हैं ना हजम नहीं होता है कमेंट भी कर देंगे गलत बताए लेकिन राइट आंसर जब बतलाने की बारी आती है तो बतलाते हम लोग दोस्तों कौन सा ऑप्शन तो बी नंबर ऑप्शन यानी कि घटती है इसी को हम लोग दोस्तों यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कि दोस्तों इसके नाले की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता डिनक्रीज करेगी देखिए एक एम्पियर इक्वल्स टू क्या होते हैं मेरे प्यारे मेरे प्यारे लाल एक ओम बतला दिए आप लोग को तो बतलाइए एक ओम बता बतला बहुत बटा एम्पियर होता है उसी परस्कार से एक एम्पियर भी होता है तो एक एम्पियर जो होता है वन सेकेंड बटता वन गुलाम प्रति सेकेंड होता है तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन याद रखना फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा याद रखना डीसी यूनिट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है चलिए देखो समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्श दो के दोस्तों क्या पूछा जा रहा है तो लंबाई तो एफओ प्लस एफी एफ नॉट प्लस एफई तो एफओ प्लस एफई ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शे के नले के लंबाई एफो प्लस एफ ही होते हैं यहां से देखोगे डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे चलिए देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी पच्चीस सेंटीमीटर होती है ये ऐसा आप लोग सोच रहे हैं लेकिन यह गलत आंसर है कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का लेंस की फोकस दूरी और ना कि पूछा जा रहा है न्यूनतम दूरी फोकस दूरी पूछा जा रहा आँख का वो दोस्तों दो सेंटीमीटर होता है अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति की आँख का लेंस की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो पच्चीस सेंटीमीटर कहना सही होगा क्योंकि वहाँ पर लेंस की न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो पच्चीस सेंटीमीटर लेकिन लेकिन यहाँ पर किया है बात फोकस दूरी का यानी कि यहाँ से हो जाएंगे दो सेंटीमीटर याद रखना यहाँ पर आप लोगों को कोचिंग में भी गलत पढ़ाए जाते हैं इसीलिए कहते हैं चौकन्ना होना अति आवश्यक है चलिए कहा जाएगा चुंबकन का मात्रा क्या होता है तो चुंबकन का जो मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर होता है यहाँ से देखोगे चुंबकन का ए मात्रक एम्पियर बटम मीटर होता है यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे डी स्टूडेंट चुंबकन का ए से एसे माता इम्पेवा मीटर होता है तो यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे बी नंबर की कल्पना नहीं करेंगे क्योंकि ध्रुव प्रबल का होता है बोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का होता है टेस्ला चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का होता है यहाँ से सौ परसेंट आंसर की बात करेंगे ए नंबर चलिए एकदम बहुत ही अच्छा ऐसे ही आप लोगों को एकदम एग्जाम एक हॉल में धुआं छुड़ाना है चलिए कहा जाए कि प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे लाल प्रकाशिक पथ क्या ता है देखिए प्रकाशिक पथ जो है अपवर्धनाक गुना पथ लंबाई होता है अपवर्धनाक को देखिए यहां से देखिये कहा जाए ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगी तो ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों जो होता दो ऑप्टिकल पाथ पाथ इज टू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ हो जाएंगे तो यहां से देखोगे ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है देखो चालक के स्थिति ऊर्जा दोस्तों क्या होती है चालक की धारिता सॉरी चालक की जो धारिता होती है वो क्या होती है देखिए ये तो यार कहीं बार बतलाये हैं ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल उम्मीद है कि इसका आप लोग कमेंट करके बताना रही है सुन कई बार यार कहीं बार आप लोगों को बतला चुके हैं ठीक है ना तो उम्मीद है कि इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर दो सौ भी फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है ठीक है ना पृथ्वी के पृष्ठ पर जो भी फैक्टर होता है इसका जो वैल्यू होता है टेंट वो माइनस फाइव होता है क्या होते हैं टेंट वो माइनस फाइव होते हैं याद रखना पृथ्वी के पृष्ठ पर दो सौ सदिश का जो वैल्यू होता है टेंट वो माइनस फाइव होता है

देखिए वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों द इमेज ऑफ फॉर्म द दोस्तों आप लोग का रेटिना तो रेटिना पर दोस्तों बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है अगर आप लोग बी बिना पर ऑप्शन लगाओ वास्तविक एवं उल्टा तो बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है देखिए शक्ति गुणांक जो होता है r बटा z होता है क्या होता है आर वा जेड होते हैं शक्ति गुणाक इक्वर शुरू क्या हो जाएंगे तो सभी का सही विद्यार्थी याद रखना शक्ति गुणांक ठीक है ना डॉन दोनों पूछा भी गया आप लोग का तो याद रखना ना आर बटा जेड हो जाएंगे चलो बहुत ही अच्छा एग्जाम में बिल्कुल याद करके जाना है जेड बटा आर चलिए देखो फोटोन का विराम देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है एच बी होती है क्या होते हैं ई बराबर एच बी तो यहाँ से देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है ए बराबर एच बी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे क्या हो जाएंगे प्रोटोन की जो ऊर्जा होती है एच बी होती है ए नंबर जैसे चालक स्थिति ऊर्जा क्या होती है तो चालक स्थिति ऊर्जा हाफ सीबीएस होती है तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है तो हाफ सीबीएस बी नंबर में देख रहा है इसीलिए बी नंबर देखिए दिष्ट ढाक ले का हाथ जो था मेरे

प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल अनंत होता है क्या होते हैं अनंत होते हैं बिल्कुल जी होता है अनंत होता है आदर्श बोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत अगर बोल्ट मीटर पूछेगा तो बहुत अधिक ठीक है ना अगर आदर्श ए मीटर पूछेगा तो शून्य अगर ए मीटर पूछेगा तो बहुत कम लेकिन पूछा जा रहा आदर्श वोल्ट मीटर का तो याद ना अनंत हो जाएंगे ये नंबर ऑप्शन

किस भौतिक राशि का पुनर्वितर प्रकाश का व्यतीकरण होता है देखिए किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतीकरण होता है यहाँ से सभी विद्यार्थी का हुए चलिए बिल्कुल सबे के सही विद्यार्थी इसी प्रकार से आंसर लगाते जाएंगे काफी इजी है चलिए आयाम मॉडुलन का मान कितना होता है देखिए आयाम मॉडुलन होता है दोस्तों इसका सूचकांक मान जीरो तथा एक के बीच होता है क्या होता है डी स्टूडेंट जीरो तथा एक के बीच में होता है तो यहाँ से जीरो तथा एक ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आयाम मान जीरो तथा एक के बीच होता है चलो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन खगोलीय दूरदर्शी में देखिए कहा देखिए काल्पनिक और सीधा बनता है सैल्स में काल्पनिक और सीधा बनता है ठीक है काल्पनिक और सीधा बनता है लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में काल्पनिक और उल्टा बनता है काल्पनिक और उल्टा

देखिए स्वयं प्रकातों का जो मात्रक होता है डी वो हेनरी होता है प्रकातों का भी पूछेगा तो हेनरी होता है अन्योन प्रकार पूछेगा तो भी हेनरी होता है प्रतिरोध का ओम होता है कार्य का जुल होता है गौस सुर चुमा के क्षेत्र का छोटा मात्रक है देखिए यहाँ पर याद है ना स्वयं प्रकात का मात्रक जो होता है ओम होता है सॉरी हेनरी होता है ए नंबर इससे रिपेद क्षेत्र जो होता है तो सौ सन होता है कैसा होता है सनाक्षी होता है यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्या हो गया? इस ईश्वर विद्युत क्षेत्र जो होता है तो उसको सनाक्षी होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखे कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है देखिए कई बार आप लोग हैं ये दोस्तों आप को जो दिया गया है और गेट ए प्लस बी होता है तो इसका बुलियन व्यंजक अगर न और गेट पूछेगा मेरे पहला तो ए प्लस बी का बार हो जाएंगे ठीक है ना स्टूडेंट क्या ए प्लस बी का बार लेकिन और गेट पूछा गया तो बाई और ए प्लस बी याद रखना ए नंबर हो जाएंगे देखिये ट्रेंगर्ज वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है तो लैमडा ट्रेंड वाले फोटोन की ऊर्जा एसी वाटा लैंडा होती है एसी वाटा लैमडा देखोगे दिख रहा है यानी कि वाले फोटोन की जो ऊर्जा हो जाएगी एसी वाटा लैमडा हो जाएंगे यहाँ से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे क्या हो जाएंगे लमडा वाले एसी वाटा लैमडा ऑप्शन नंबर बी देखिए सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों वो कैसा होता है सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है तो याद रखना सतत होता है यहां से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे क्या हो जाएंगे सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है सतत होता है कैसा होता है सतत देखिए कहा जा रहा है कि तेजी से चलने वाले बेटा ने क्या होता है तो तेजी से जो चलने वाला बेटा किरण फिलहाल इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है याद रखना तेजी से चलने वाला बेटाकिरण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे

तो लगभग दोस्तों कितना होता है बताइए के सही विद्यार्थी लगाइए चलिए बहुत अच्छा सुन एकदम गजब तरीके से आप लोग लगाते हो लगभग बयालीस डिग्री होता है कितना याद है ना लगभग बयालीस डिग्री होता है बयालीस नहीं लगभग बयालीस बोलना ठीक है ना कांच के लिए जो क्रांति कौन होता है लगभग दोस्तों बयालीस डिग्री होता है यहाँ से जो जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए बिल्कुल सही है देखो यहाँ से तीन चार नंबर क्लियर कर लो आवेश का जो रैखिक घनत्व तो होता है गुलाम बटा मीटर होता है आवेश का प्रश्न घनत्व तो बटा मीटर स्क्वायर होता है और आवेश का आयतन घनत्व गुलाम बटा मीटर की होता है तो यहाँ से प्रश्न घनत्व पूछा तो, तो यहाँ से बी नंबर हो जाएंगे ठीक है ना यानी कि गुलाम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएंगे क्या गुलाम के पावर गुलाम मीटर के पावर माइनस टू हो जाएंगे तो यहाँ से जो जो विद्यार्थी लगाए हो क्या लगाए हो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है देखे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो किसी बिंदु पर जो तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है चलिए बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल देखो ये आवेश ऊपर एक आ, दोस्तों आप लोग का बल लगने वाला बल एफ होगा ठीक है दोस्तों इसी के अनुपात को लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे चलिए ये सब काफी इजी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यहाँ से याद रखना बी नंबर हो जाएंगे देखे इन धनुष का निर्माण जिस कारण से होता है स्टूडेंट याद ना इन धनुष का जो निर्माण होता है बिल्कुल वन से, से होता है किसके वन तो विक्षेपन से, से होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो देंगे वन के कारण इन धनुष का निर्माण होता है

देखिए है कायन क्षेत्र क्षेत्रफल से यानी कि प्रात्ययन क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले प्रातः कायन क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं यानी कि प्रातः कायन क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को दोस्तों धारा घनत्व तो कहते हैं यानी कि प्रातः कायन क्षेत्रफल एरिया और इससे प्रभावित होने वाले आया आए इसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों धारा गणत को कहते हैं यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ए नंबर हो जाएंगे, चलिए बहुत ही अच्छा इसी प्रकार से आप लोग आंसर लगाते जाओ देखो धारा गणत देखें प्रत्येक इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन भेग के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं यानी कि गतिशीलता के परिभाषा गत से हम लोग जानते हैं प्रत्येक इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्रात्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं यहाँ से दोस्तों देखोगे तो विद्युत क्षेत्र इससे दोस्तों जो होगा अनुगमन वेग इसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों अनुगमन वेग कहेंगे यानी कि दोस्तों गतिशीलता कहेंगे प्रत्येक इकाई विद्युत क्षेत्र इ के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग भी को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं ये अनुगमन वेग हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया यहाँ से रिलेशन ऑप्शन नंबर ए देखिये निर्वात का पैरा बायतांक कितना होता है डियर स्टूडेंट निर्वात का दोस्तों पैरा बातांक देखिए धातु का इन्फिनिट होता है निर्वात का एट पॉइंट एट फाइवुना टेंट वो माइनस ट्वेल्व फराडे वाटा मीटर होता है एट पॉइंट एट फाइगुना टेंट वो माइनस ट्वेल्व फराडे बटा मीटर यानी कि जो जो मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल ए नंबर ऑप्शन लगाए हो अरे बिल्कुल सही लगा बाबा बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिये बायु का पैरा तो समर्थ्य पूछा है देखिये बिरासी नंबर क्वेश्चन पर के लिए हम लोग दो पहुंच चुके हैं तो आप लोग बिल्कुल लाइक की संख्या को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा दोस्तों कम गया ठीक है ना बढ़ा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना देखिए बायु बायु बाय। बाय। के लिए पैरा तो समर्थ की बात किया है अरे यार पारा पारा तीन गुना टेन प्लस सिक्स वोल्ट बट मीटर होता है दोस्तों वायु के लिए क्या आप लोग क्योंकि वायु के लिए इतना ही होता है थ्रे गुना टेन टू डी पावर सिक्स मीटर यार कौन कौन ऑप्शन या टोटल ऑप्शन में दिया गया है, क्या हो रहा है टोटल ऑप्शन ही सही है ठीक है टोटल ऑप्शन आप लोग का सही है, ठीक है आप लोग कमेंट कर दीजिए ए बी सी डी सभी ऑप्शन ठीक है यहाँ से टोटल ऑप्शन आप लोग का सही है चुंबाके तरंगों वाले गुण होता है देखिये बेद चुंबाके तरंग वाला जो गुण होता है गामा की नुम होता है कौन सा दोस्तों गामा गाउ ने यार गामा किरण ठीक है ना गामा किरण यानी कि बाई की तरह जो लिखा जाता है गामा किरण ये वाला चले वेद्य चुंबाके तिरंग वाला जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इस प्रॉपर्टी ऑफ तो यार ना आ, गामा रेज हो जाएंगे गामा रेज चलिए देखिए चौरासी नंबर क्वेश्चन देखिए जब प्रकाश देखिए प्रकाश कौन से प्रवेश तिरंग धर्ज दोस्तों क्या आता है घाटेगा जब प्रकाश कांच से प्रवेश करेगा तो इसका तिरंग धर्ज जो होगा दोस्तों घाटेगा दिन करेगा देखिये कहा जाएगा प्रकाश के तीखे कोर से मोड़ने की घटना को क्या कहते हैं तो देखिए तीखे कोर के मोड़ने की घटना ये तो दोस्तों दो नंबर में दो बार पूछा गया है 2022 में भी और 2020 में भी यानी कि प्रकाश को तीखे कोर से मोड़ने की घटना को भी वर्तन कहते हैं यहाँ से भी नंबर याद रखना प्रकाश का भी वर्तन ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से

होगी होगी क्या ऐसा हो हो आप लोग ना सोचते लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा धारा बाईस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है अब सरित होती है क्या होती है अब सरित यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे बाकी कोई नहीं डिफ्यूज ठीक है ना सुन क्या डिफ्यूज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एन टाइप आर्ध्य चालक में मुख्य धारा का जो होते हैं दोस्तों एन टाइप के में वो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन प्रकार के आर्ध्य तो तो चालक में, तो में इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है यहाँ से ए नंबर चलो ऐसे यहाँ लोग आंसर लगाते थे फाटा फटाफट और खाट आंसर लगाते जाना चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि डायोड का उपयोग करते हैं देखो डायोड का हम लोग उपयोग जो करते हैं इरेक्टिफायर कितना करते हैं किसके रूप में इरेक्टिफायर कितना रेडिएशन बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर लगाते जाओ कहा जरा डायोड का, का उपयोग करते हैं तो की कितना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा इलेक्ट्रॉन होती है क्या होती है इलेक्ट्रॉन होता है कौन होता है, है? तिब्र यानी कि बेटा केने तिव्र में होती है तिब्र में तो इलेक्ट्रॉन होता है चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा कहने भी होते हैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट देखो बिट्टा के नीज से चलता है विद्युत और चुंबक के क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है यहाँ से डी नंबर हो जाएंगे ए और बी दोनों ऑप्शन जो बिट्टा के अन होगा डी रेस्टोरेंट कहाँ कहाँ विक्षेपित कर चुंबकीय और बिट्टे और विद्युतीय क्षेत्र दोनों यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में दोस्तों क्या करेगा तो विक्षेप करेगा दोस्तों रिफ्लेक्टेड करेगा चलो बहुत अच्छा बी नंबर डी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय नाभिकीय होता है बी नंबर में दिया गया है सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय नावकीय होता है क्या होता है सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है मेरे वो नाभिकीय होता है चलो जो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक की संख्या को थोड़ा बढ़ा देंगे और घंटे को फ्लेश कर लेंगे चलिए देखिए मेरे के मरीजिका का दोस्तों जो कारण हो जाएगा वो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यानी कि था केस ऑफ ए मैरिज यानी कि मेरे का मैरिज का का दोस्तों जो कारण होगा क्या देंगे तो यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि बी नंबर ऑप्शन किसी बिंदुवत स्रोत पर परमित दूरी पर दोस्तों स्त्रंगाग्र कैसा होता है तो किसी बिंदुवत स्रोत से परमित दूरी पर जो तिरंगाग्रह होता है गोलाकार तिरंगाग्रह होता है क्या होता है गोलाकार अगर में पूछेगा तो सामतलिया अगर बारे रेखा के, के छिद्र के समान पूछेगा तो बेलनाकार लेकिन आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों दूरी पर तो दूरी पर दोस्तों कैसा होता है तो गोलाकार होता है ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

तो हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक 2.42 टू पॉइंट फोर टू होता है यहाँ से देखोगे तो सी नंबर हो जाएंगे चलिए बहुत अच्छा चलिए डी स्टोन बिल्कुल लाइक की संख्या को बढ़ाते जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे एग्जाम में तहलका मचाते जाएंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ चुंबाकिया का मात्रक क्या होता है देखो चुम्बाकियाघुन का दो मात्रक एक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है एक जेटी इनवर्स होता है तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया एम्पियर मीटर इनवर्स इसीलिए इसका ये नंबर हो जाएंगे क्या होगा चुम्बाकियाघुन का जो मात्रक देखिए देखो दोनों ऑप्शन दे दिया गया है देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी कहेंगे क्योंकि चुंबाकिया घुन का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है एक जेटी इनवर्स भी होता है तो यहां से ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ऑप्शन चलो जब किसी को किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होगा मेरे पे लाल उसका जो मास होगा बिल्कुल बाढ़ या घट सकता है तो बाढ़ या घट ऑप्शन नंबर सी में है यानी कि ए और बी ऑप्शन दोनों बाढ़ भी सकता और घाट भी सकता है देखिए इसका कार्य विद्युत प्रवणता का, का बराबर होता है तो डी वी वाई डी एक्स होता है क्या होता है डी वी वाई डी एक्स विद्युत प्रवणता जो होता है डी वी वाई डी एक्स अगर आप लोग को दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत में अगर संबंध पूछा जाता है, है तो माइनस डी वी बाई डी एक्स ठीक है ना ये सब याद रखने साफ करवा चुके हैं चलिए मेरे फिलहाल आप लोग बिल्कुल एग्जाम में धुआं ले लिए है यानी कि धुआं धुआं मचा देंगे टेंशन मत लीजिए देखिए जो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि काम पर समय में काम समय में दोस्तों चार सौ से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है इस नंबर पर आप

हाय आपको दोस्तों के बीच में हल्का मजा आना है ठीक है दोस्तों तो आप लोग बिल्कुल इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और पीडीएफ क्वेश्चन लेंगे जो जो अभी तक नहीं लिया है, चलिए दोस्तों पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करना टेस्ट वगैरह कैसे लगाना चलिए ले चलते हैं गूगल पर चलिए गूगल पर सर्च करना educationlecture.com देखिए देखिये स्टूडेंट आप लोग चाहते हो कि काम समय में आप लोग का दो सौ चार सौ शायद चार सौ नंबर आ जाए या आप लोग डेले का क्यूज लगाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का तो गूगल ओपन कर लेना आप लोग को एजुकेशन लेक्चर डॉट कॉम सर्च कर देना है देखिए कुछ नहीं आप लोग को दोस्तों गूगल ओपन कर लेना आपको फोन में ठीक है देश्टु? आपको फोन मुवा, मुवा, में मोबाइल मोबाइल में गूगल होगा यहाँ से एजुकेशन लेक्चर डॉट कॉम सर्च कर नीचे वेबसाइट है इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है तो नीचे करके इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए यहाँ से आप लोग पूरा तैयार है संपूर्ण तैयारी क्लास ट्वेल्थ का कर सकते हो साइंस और कॉमर्स तीनों आकर के देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहां से आप लोग को ट्वेल्थ आई ए सी ट्वेल्थ आई एस सी का भी ऑप्शन दिया गया है साथ में आप लोग का डेली क्वेज का भी ऑप्शन दिया गया है यहां से पूरा फटाफट आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो डेली क्वेज यहां से और यहाँ से ट्वेल्थ आई एस सी और डेली लाइव टेस्ट यहाँ से और आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल पी वगैरह डाउनलोड कर पाओ तो ट्वेल्थ आई पर आप लोग क्लिक कर दीजिए देखें यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे यहाँ से देखेंगे डी स्टूडेंट तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं हिंदी अंग्रेजी गणित पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी डला गया तो आ करके आप लोग भी आइए और विजिट करिए एजुकेशन लेक्चर डॉट कॉम जब आप लोग का टेस्ट लगाना होगा तो ये सब क्लिक कर आप लोग क्लिक करके यहाँ से क्विज वगैरह भी खेल सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैंने रोज कहानी का मुझे हम लोग को दोस्तों टेस्ट लगाना है तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ओपन में होगा तो इससे आप लोग को नीचे लेकर के जाना है यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया होगा इसी स्टार्ट के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है डी शोन ठीक है ना यह स्टार्ट का बटन आप लोग को दिख रहा है इसी पर आप लोग को क्या करना है क्विज पर क्लिक कर देना है तो स्टार्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ से आप लोग का नाम पूछेगा तो यहाँ से नाम दे देना ताकि आप लोग को पता चल सके कौन विद्यार्थी बेहतर मार्क्स लाएंगे ठीक है नेशन यहाँ से आप लोग अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भवकाल मचा पाएंगे ठीक है रेशन चलो यहाँ से नेक्स्ट आप लोग को कर देना नाम दे करके और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन हो जाएंगे तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी सर्च कीजिए गूगल पर एजुकेशन डॉट कॉम और फटाफट आकर के टेस्ट लगा लीजिए चलिए डेढ़ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम